जैन दोस्तों दोस्तों आप लोगों को मैं आज देखो ना ही टीआरएमई की न्यूज़ देने आओ ना ही इंडियन आर्मी की न्यूज़ देने आओ, आज लोगों को एक की मैं असलियत नहीं बोलना चाहूँगा, उसकी जो घटिया हरकत है वो बोलना चाहूँगा। क्योंकि जो उसकी घटिया हरकत है, वो जो एक ऑटो वाला है जो बेचारा अपना गुजारा कैसा करता है, उसको क्या बोल रहा है, चमचा बोल रहा है, ऑटो वाले चमचे। अरे देखो इतनी समझ नहीं है कि तू जो तेरा यूट्यूब चला रहा है उस पर तेरा आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन जो सब्सक्राइबर है उसमें आधे से ज़्यादा भाई लोग है जो ऑटो वाले के बेटे है, कोई पार्ट टाइम में ऑटो भी चलाता है, तो उसके बारे में ऐसा बोल रहा है कि ऑटो वाले चमचे। देखो बोलने में थोड़ी भी समझ, या आप समझ सकते हो यार, आगे इसके लिए कोई शब्द नहीं बोलने के लिए मेरे, ठीक है, उसको बोलने का ऐसा काम नहीं था। और ऊपर से तू बोल रहा है कि मैं गांव से हूँ, अरे गांव से मैं भी हूँ, बहुत सारे भाई लोग हैं जो मुझे भी देख रहे हैं और तुझे भी देख रहे हैं, उन लोगों को भी समझ है कि क्या गांव लोगों की लैंग्वेज क्या होती है। तूने जो घटिया जो लैंग्वेज यूज़ की है, और तू बोलता है एनसीसी जो मैं क्रेडिट हूँ, तो एनसीसी क्रेडिट होने के नाते तूने थोड़ी भी समझ, एनसीसी में क्या रूल है, डिसिप्लिन क्या है, तुझे कुछ जानकारी है, एकता और अनुशासन एनसीसी में होता है। तू उस ऑटो वाले का बोल रहा है कि ऑटो वाले चमचे, ये शब्द तूने किस उद्देश्य से यूज़ किया, तुझे बोलने को थोड़ा बहुत भी वो नहीं हुआ तो तेरे यूज़ के चक्कर में तो किसी को भी कुछ भी बोलेगा। उस ऑटो वाले से तेरा कुछ भी हो, वो मुझे हमको नहीं दुनिया को मत दिखा, लेकिन तूने वो एक ऑटो वाले के चक्कर में तूने ऑटो वाले बोला, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, तूने उन सबके बारे में बोला, तूने क्या बोले यार, तेरे लिए बेशर्मी की भी हद होती है। तूने जो आज हद कर दी ना भाई लोग, अगर आप लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा एक बार उसका ये वीडियो देख लो, मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली मैं आप लोगों को सबसे पहली बात बता दे रहा हूँ, जो भाई पहली बार पेपर देने आएंगे SSC GD का कहीं भी सेंटर रहेगा, जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरोगे ना, तो ये जो चमचे पड़े हैं सब जो ऑटो वाले, अभी इससे तो झगड़ा मतलब लफड़ा हो गया है, ये लफड़ा कर लिया है यार, तो ये थोड़ा गर्म दिखा क्या है, ठीक है ना। देखो सबसे मेरा नाम देशराज जोत सिंह है, मैं 86 से रिक्शा चला रहा हूँ, 24 साल से तो मैं रिक्शे में रहता हूँ, ऑटो ही घर बना लिया मैंने, कपड़े लत्ते मेरे गाड़ी में रहते हैं, नहाने धोने के लिए शौचालय है, वहाँ पर जा कर के नहा धो करके मैं फ्रेश होकर के निकल जाता हूँ। बारिश होने के टाइम पे पर्दे लगा दिए, काम से आए पर्दे लगा दिए, अपना आराम से अंदर में हो गए, कभी कभी बैठ के भी निकालना पड़ती है रात, गर्मी में जरा बनियान बनियान निकाल करके सो तो बहुत अच्छा लगता है, हवा चलती है बहुत अच्छा लगता है। मेरे को थोड़ी आमदनी ज़्यादा होती है तो फिर जो है फुटपाथ पे रहने वहने वाले उनको बांट देता हूँ कुछ ना कुछ की भाई कि खाओ पियो आराम से रहो, तो वो भी इज्जत ही करते हैं, बाकी क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने अभी वीडियो देखा उसका, आपको देख के एक ऐसा गुस्सा भी आया होगा, क्योंकि उसके खुद सब्सक्राइबर है, उसके मतलब मैं बताता हूँ 10% लोग तो होंगे जो ऑटो वाले के बेटे होंगे, कि उनके पापा बेचारे ऑटो चला के बच्चों का कैसा पालन पोषण करते हैं यार, ये चीज़ आपको भी मालूम है। और बहुत सारे भाई लोग हैं जो ऑटो भी चलाते हैं और आर्मी हो या टी आर्मी हो आर फील्ड में हो, वो काम करते हैं। क्यों काम करते हैं कि भाई पेट के लिए सबको कमाना पड़ता है यार, ज़रूरी नहीं हर किसी के पास खेती होना, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं जो किसान के बेटे बेचारे वो भी खेत का काम करके तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जो ऑटो या अलग अलग प्रकार का जो काम करके जो हर फील्ड में तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की। लेकिन इस आपको इसका नाम लेना भी मोरे क्या बोले यार, मेरे मुँह से अच्छा नहीं लगेगा, कोई मतलब नहीं है, आपने तो देख लिया थंबनेल में कौन है क्या है। और इसके खास करके मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, इसके चमचे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि क्या है देखो, मैंने चमचे सभी को नहीं बोला, कुछ लोगों को चमचे इसलिए बोला है क्योंकि उनको परख नहीं है, उनके माँ बाप ने उनको जो लक्षण होते हैं ना पालन पोषण, उस समय शायद बराबर किया नहीं था, आज ये दिन उन लोगों को देखना पड़ रहा है। अगर वो लोग अगर मुझे कमेंट में अगर गलत शब्द नहीं बोलते थे तो मैं मानता था उनके माता पिता ने सही उनको पालन पोषण किया, क्योंकि देखो यार सही गलत में आपको फ़र्क दिख रहा है, उसके बाद भी तुम अंधभक्त होके किसी और का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट करो, मेरे को कोई मतलब भी नहीं है रे भाई, सब्सक्राइबर और यूज़ के चक्कर में कोई मेरा वो भी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने जितनी भी वीडियो बनाई ना, मैं देखो यार जो गलत बताता है ना मैं हमेशा उसका विरोध कर रहा, कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, मेरी एक आदत है, आप लोगों ने देखा होगा मेरी इतनी वीडियो में। ठीक है आगे कि ऑटो वाले की लाइफ कैसी होती है, वो तू बोल रहा है एक ऑटो वाले के चक्कर में तुम सब ऑटो वाले को तूने ऐसा बोला, ये तेरा बोलने का फर्ज नहीं था। अगर तू नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाएगा यार मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, तू मेरे पे बना बिंदास बना,
नाम नहीं लेगा ना, मुझे मालूम है तू नाम नहीं लेगा, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और मैं भी तेरा नाम क्यों लूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे चमचे हैं, मैं सब लोगों को नहीं बोल रहा, बहुत सारे चमचे हैं जो बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चमचों का काम है चम्मच हिलाना, और हिला दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसको बोलूँगा कि तू यार, तू मुझे नहीं लगता कि NCC क्रेडिट है, अगर तू NCC क्रेडिट होता तो ऐसी जो तूने शब्द चमचा वाला यूज़ किया ना, ये शब्द यूज़ नहीं करता, ठीक है दोस्तों। यही मेरे को बोलना था, आगे देखो आपकी इच्छा यार, किसको कैसा करना है यार, आप लोग तो क्या है, बस देखते हैं कि इसके यूज़ ज़्यादा है उसका सपोर्ट करो, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि बंदा कौन सही है कौन गलत है, ठीक है दोस्तों। देखो मैं दोपहर के समय, देखो यार मैं डेली तो रनिंग करता नहीं दोपहर में, क्योंकि जब भी मुझे काम नहीं लगता है ना, तो मैं दोपहर में आ जाता हूँ रनिंग करने के लिए। आप ये पीछे एक बार ग्राउंड देख लोगे, नहीं तो बहुत सारे लोग कैसे जो चमचे होते हैं उनका तो काम है भोंकना, और वो हमेशा चम्मच हिलाते हैं, ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इनसे ना किसी की अच्छाई देखी नहीं जाती है कि बंदा क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, उसको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि ये गलत है, लेकिन उसको समझ नहीं है, ना समझ है वो बंदा जो कमेंट गलत यूज़ करता है, ठीक है। मुझे मालूम है बहुत सारे कमेंट आएंगे चमचे लोग के, आने तो कोई फ़र्क नहीं, जो बंदा ये समझता है कि भाई कौन सही है कौन गलत है उसको फ़र्क है, ठीक है। ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।